नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नए वीडियो में। आज मैं दो चीज को यूज करते हुए मैं डोरमेट बनाने जा रही हूँ। पहला तो साड़ी या दुपट्टा और दूसरा पिन। सबसे पहले साड़ी का इतना चौड़ा पट्टी हम काटेंगे और फिर पिन। सबसे पहले देखिए इस तरह से गोला बनाइए आप, देखिए गोला बनाइए। अब इसमें अंदर से ऐसे कपड़ा निकालते हुए गांठ बनाइए, ये देखिए गांठ बन गया। इस तरह से गांठ बनाइए और फिर पिन एक गांठ और बनाइए, इसको इस तरह से इसके अंदर से घुसा के निकालिए और गांठ को लूज ही रखिएगा, खींचिएगा मत। देखिए और इसमें हम इस तरह पिन लगाएंगे यहाँ पर, और इस कपड़े को हम एक छोर जो है छोटा वाला इसको हम इस तरह से घुमाएंगे गोले में, और ये इसमें पिन लगाकर हम पिन लगाकर ऐसे बनाएंगे, इस किनारी पर लगाएंगे पिन। हम पिन को इसके अंदर घुसाएंगे, गोला जो गांठ बनाया है उसके अंदर घुसाएंगे और इसके एक कपड़ा के अंदर से ऐसा निकालेंगे। इसी तरीके से हम बनाएंगे, पूरे गोले घुमा लेंगे हम। इसी तरीके से हम पूरे नॉट्स बनाते हुए हम पूरे गोले में यहाँ जहाँ से शुरुआत किए हैं वहाँ पर पहुँच जाएंगे हम। अगर हम बना रहे हैं इसको कपड़ा छोटा पड़ जाए तो इसमें हम जोड़ेंगे कपड़ा, दूसरा कपड़ा, और जोड़ने के लिए इसमें हम थोड़ा सा छेद करेंगे, काटेंगे इसको, कट लगाएंगे, इसके अंदर से इसको निकालेंगे ऐसे, फिर इसमें भी कट लगा लेंगे हम। देखिए एक बार सर्कल बन गया पूरा। अब इसमें हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो दोनों को जोड़ना है हमको। तो एक इसमें कट लगा लीजिए ऐसे, एक छोटा सा कट लगा दीजिए और इसमें छोटा सा कट लगा लीजिए, इसको ऐसे घुसा कर इसमें जोड़ना है, इसमें भी कट लगा लें। ये देखिए दोनों जोड़ दिए हैं। अब इसके छोर पर हम लगाएंगे पिन, इस बार दोस्तों देखिए हम लंबा काट लिए पूरी साड़ी को, लंबाई काटे हैं कि जोड़ना ना पड़े जल्दी। अब इसको फिर से हम इस तरह से नॉट बनाएंगे। और अगर बार एक एक बार घुमाए थे, अब इस सब में एक एक बार नहीं दो दो बार घुमाएंगे हम, जो बनाए हैं नॉट्स उसमें
एक एक बार नहीं, हम दो दो बार घुमाएंगे। इसको हम दो दो बार इसलिए घुसाएंगे कि ये फैले हमारा, ऐसे ना हम घुसाएंगे तो एक हमारा चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, गोलाई नहीं अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों, दो बार हम घूम गए। इसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे, जितना बड़ा हमको बनाना है उसी तरीके से। एक बार हम एक बार घुसाएंगे एक एक में नॉट्स में, और एक बार में हम दो दो घुसाएंगे नॉट्स में। इसी तरीके से हम पूरे बनाएंगे सर्कल, और कलर भी लगा सकते हैं हम। एक कलर ये लाल कलर, ये दूसरा कलर है, ये दूसरा कलर है। अब जिस जितने कलर लगाना चाहती हैं एक बार में, दो बार में, इस तरह से आप लगाइए। देखिए दोस्तों, अब हम उसी तरीके से बनाते बनाते हम पूरा इतना बड़ा बनाए हैं। अब इसमें अब हमको बनाना है। देखिए दोस्तों, ये गोला जितना बनाना था उतना हम बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हम दूसरा एक पैटर्न बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम पैटर्न बनाएंगे। ये मेरा पूरा गोलाई में जो ये गांठ बनाए हैं ये 60 फंदा था, हम इसको 6 भाग में बांट दिए हैं। जो मैं गांठ बोल रही हूँ वो उसका मतलब ये है कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम पूरे को इस तरह से 60 फंदे गांठ थे, तो मैंने 10-10 भाग 10-10 फंदा एक एक 6 भाग में बांट दिए हैं। चलिए हम बताते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 10 फंदे हैं। अब हम यहाँ से देखिए ये जो शुरू किए हैं, दो ये पहला वाला वाले का बना हुआ है जो ये पैटर्न, उसी में यहाँ से हम शुरू करेंगे। इसमें इस तरह से घुसाएंगे इसको, और फिर यहाँ पर हम गांठ बना लेंगे। इस छोरे को हम छोटा करेंगे, इस तरफ का छोरा। इसके अंदर से ऐसे निकालना है, और इस पैटर्न जिस तरह से हम इसको बनाए हैं ये पूरे, उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। इस तरह से हम 10 ठो गांठ बनाएंगे, ये 10 गांठ बनाएंगे। पहले में 10 गांठ बनेगा, और उसके ऊपर हम 9 बनाएंगे। ये 10 बनाए हैं इसमें, देखिए ये 10 बनाए हैं, उसके बाद 9 बनाए हैं, फिर 8 बनाए हैं, फिर इस तरह से हम 7 बनाए हैं। एक एक दो दो छोड़ छोड़ कर हम इतने तक में पूरा कर लिए। देखिए 10 बना लिए हम। अब दोबारा इस तरह से हम बनाएंगे। देखिए इसको इधर कर लेंगे, एक छोड़ देंगे हम, एक इधर छोड़ेंगे एक इधर छोड़ेंगे। एक एक छोड़ेंगे तब तिकोना आएगा, दोनों तरफ से छूटेगा। देखिए 10 बनाए, उसके बाद 8 बनाए हैं, अब 6 बनाएंगे। तरीके से आप 4 बनाइए, फिर दो बनाइए, फिर एक बनाइए। इस तरह से ये आपका इस तरह से आ जाएगा तिरछा। देखिए फाइनल ये बन गया, आ गया मेरा ये डिजाइन। इसको काटने के लिए हम पीछे से इस तरह से हम घुसाएंगे इसमें। ऐसे घुसाकर यहाँ पर हम गांठ बना देंगे। आप गांठ बनाइए, या तो फिर इसको अगर आपको सिलना है तो सिल लीजिए। ये हो गया, अब इसको हम काट देंगे। देखिए इसी तरह से हम ये बनाए हैं पूरा।
देखिए दोस्तों बनकर तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आप जरूर मेरे को बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।